हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो जैसा कि आलू की सब्जी तो हर घर में बनती बनती है और सबको पसंद भी आती है, लेकिन सभी का बनाने का अंदाज़ कुछ अलग रहता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें ये रहता है कि कोई भी सब्जी बनाए जल्दी बन जाए, स्वादिष्ट बने। तो आज हम जल्दी बनने वाली सब्जी बनाएंगे, वो बनाएंगे आलू की सब्जी, वो भी बनाएंगे हम एक ही पोट में। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये कुकर लिया है, कुकर गैस पर रख देंगे और अब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल कोई सा भी ले सकते हो, मैं सरसों का यूज में लेती हूँ, और तेल कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये मैंने 3/4 चम्मच तेल लिया है, कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। तेल को गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा तब तक मैं आलू बता देती हूँ। मैंने 4 लिए मीडियम साइज के आलू, ये 4 जनों की सब्जी के लिए सफिशेंट है। और एक लिया मैंने टमाटर, एक हरी मिर्ची, और ये मैंने अदरक ग्रेट करके रख रखी। ये मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, इस तरह से ग्रेट करके आइस क्यूब जमा लेती हूँ और फिर इन्हें स्टोर कर लेते हैं। अब चाहो तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन हम बना रहे बिना प्याज लहसुन की आलू की सब्जी, वो भी बनेगी झटपट। अगर तैयारी रहती है तो आपको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो सरसों का तेल है, इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया अच्छे से, मैंने गैस सिम कर दी। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग। तो 2 पिंच मैंने हींग की डाली है, 1/4 चम्मच राई डाल देंगे और 1/4 चम्मच ही जीरा डाल देंगे। और छींटे नहीं लगे इसलिए हम हल्दी डाल रहे हैं। सबसे पहले आधे चम्मच हल्दी डाल देंगे और ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची तीनों चीज़ डाल देंगे आराम। अब कहीं भी छींटे नहीं लगेंगे। तो जब भी आप कोई भी सब्जी बनाए तो पहले हल्दी डाल दें और फिर टमाटर छोंके या भिंडी छोंके, कोई भी चीज़ छोंकोगे तो छींटे नहीं लगेंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। जब भी आप आलू काट के रखें तो अगर आप पानी में नहीं रखते हो तो ये काले हो जाते हैं, तो आप इन्हें काट के रख दीजिए। चाहे फिर आप इन्हें शाम को भी बनाओगे ना तो भी इस स्थिति में ऐसे ही रहेंगे। तो इन्हें मैंने धो के पानी में रख दिए थे। तो आप किस तरह से बनाते हो वो भी मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और अगर आप इस तरह से बनाते हो तो बहुत अच्छे, और नहीं बनाते तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करोगे, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि सब्जी अच्छी बनी और झटपट बनती है। मिक्स कर लेंगे इसे। अब बच्चों के लिए सब्जी बना रहे हो तो आप इसे सूखी भी बना सकते हो, आप इसमें पानी नहीं डाल लें, लेकिन हम बना रहे हैं आज रेसे वाली सब्जी। आधी चम्मच मैं लाल मिर्ची डालूंगी, लाल मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक की डालेंगे, और ये 1/4 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते हो तो खड़े मसाले भी डाल सकते हो। जब हमने तेल डाला था उसके बाद आप खड़े मसाले डाल लें, लेकिन हम झटपट सब्जी बना रहे हैं तो गरम मसाला तो अक्सर तैयार रहता है सभी घरों में। गैस फुल कर देंगे और अब मैं पानी डालूंगी। 1 गिलास मैंने पानी लिया है और मिक्स कर लेंगे। और जब तक, अब आपके आलू कितनी देर में सीजते हैं आप उस हिसाब से सीटी ले लें। मैं इसमें लूँगी 2 से 3 सीटी, ढक्कन लगा देंगे। 2 से 3 सीटी लेने के बाद गैस बंद कर देंगे। जब भी इसकी बिल्कुल भाप खत्म होगी जब हम इसे चेक करेंगे। तो मिलते हैं आगे। मैंने 3 सीटी ली थी, बिल्कुल ठंडा हो गया है, देखिए। अब इसमें मैं, आप चाहो तो हरा धनिया डाल सकते हो, लेकिन मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से काफ़ी अच्छी सब्जी लगती है, टेस्टी लगती है। तो आधी चम्मच करीबन हम कसूरी मेथी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब चाहो तो आप इसमें थोड़े से आलू इस तरह से मैश कर लें। अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ। तो देखिए, ये हमारी झटपट आलू की सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।